विकराल संकट खत्म करने को उठे हाथ। नागरिकों के सहयोग से ही जल संरक्षण की मुहिम को सार्थक बनाया जा सकता है। यह जरूरी है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए पानी की बर्बादी होने से आज रोकें। अगर ऐसा न किया तो आने वाले समय में न सिर्फ अपना यह अपितु समूचा विश्व पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। इस विकराल संकट को खत्म करने के लिए पत्रिका की यह मुहिम एक सराहनीय पहल है। जल संरक्षण के लिए अमृत जलम आओ भागीरथ बने की मुहिम में रेनबो हॉस्पिटल में डॉक्टर और मरीजों ने शपथ ग्रहण की। हम ये चाहते ही हो सकते हो, इसलिए शपथ लेते हैं कि हम जिहाद मना रहे हैं। ठीक है, पत्र का समूह शपथ लेने के लिए हम लोग खड़े होंगे और शपथ लेने की परंपरा है कि भारतीय आगे करते हैं। दोनों आप खड़े हो जाए, दोनों हाथ आगे करें, अरे हाथ आगे करें, हम भारत ये शपथ लेते हैं कि हम आज से जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जल दुरुपयोग न हो, इसके लिए हम अपने परिवार, इष्ट मित्रों एवं अपने आसपास के लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करें। अब नहीं सुधरे तो बूंद बूंद पानी के लिए होंगे मोहताज, इसलिए ली गई जल संरक्षण की शपथ। अमृत जलम पत्रिका के इस विशेष अभियान का आयोजन आज ब्लॉक अशनेरा के गांव महुअर में हुआ। गांव में स्थित पोखर पर सैकड़ों की संख्या में पत्रिका के बैनर तले ग्रामीण एकत्र हुए। मुख्य अतिथि के रूप में फतेहपुर सीकरी के सांसद चौधरी बाबूलाल के प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी रहे। इसके अलावा गांव प्रधान दाताराम राजपूत भी मौजूद थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने बताया कि जल है तो जीवन है, आज व्यर्थ में पानी को बर्बाद किया जा रहा है। आज हमारे देश के पास पानी की कमी नहीं है, हम दूसरे देशों को पानी बेच रहे हैं तब हमें वाहनों में प्रयोग किए जाने वाला तेल मिल रहा है। आरओ का जो पानी आता है वहाँ को मीटर मीटर डाल के आप देखेंगे तो उसके पानी की जो टीडीएस है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 150 होनी चाहिए, और वो पानी पिला रहा है हमें 50 का 60 का, कुछ है ही नहीं उसमें। वो तो हमारे पानी तो ज़्यादा खराब हुआ है, हम अगर हेडपम्प का पानी पी रहे हैं वो तो सही है, बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। बस तो मेरा विषय ये है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को देखें। देखिए, गांव का पानी कहीं तालाब में पोखर में कहीं ना कहीं जाता है, लेकिन अब उसका जल संरक्षण कैसे करेंगे हम। जैसे आप आपके गाँव की ले लो, इतना महत्व तो इस पोखर का, जैसा मुझे बताया बुजुर्गों ने कि तब करौली जाते गए तो करौली लौट के आए कि नहीं पोखर में नहा के जाते जाती है, तब ये तब उसकी यात्रा संपन्न हुआ करती थी। पैदल यात्री हो जाते थे, लौट के आमद गए तो वो नहा के जाते। कनागतों में देव पितरों को तर्पण किया जा रहा है, तर्पण किया रहा है यहाँ। और आज 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 स्थिति ऐसी है कि आप देख लो, उसमें गाँव का जो गंदा पानी है वो इसमें आ रहा है, बाकी तो भरने को जुगाड़ है नहीं। अब भरने की कैसे जुगाड़ हो। इस गांव की महिलाओं और बच्चों के साथ युवा और वृद्धों ने ली पानी बचाने की शपथ। जल ही जीवन है, जीवन का सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। गर्मी शुरू हुई तो इसके साथ ही शुरू हो गई क्षेत्र में पानी की किल्लत। पत्रिका ने पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को समझा और इसे जनता की आवाज बनाने का संकल्प लिया। पत्रिका लोगों के साथ खड़ा हुआ तो कारवां जुड़ गया और साथ में आ गई घूंघट की आड़ में रहने वाली गांव की महिलाएं, बच्चे और बूढ़ों के साथ गांव के युवा, सभी ने संकल्प लिया पानी बचाने का, पत्रिका की मुहिम से जुड़ने का। हम सभी ग्रामवासी संकल्प लेते हैं कि पानी की बर्बादी नहीं करेंगे, पानी बचाएंगे और पानी की व्यर्थ बर्बादी करने वालों को वो भी पानी बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। न हम पानी फैलाएंगे, फैलाने देंगे, जरूरत के अनुसार ही पानी खर्च करेंगे।
यमुना के चक्र तीर्थ कुंड पर श्रमदान कर सफाई कायाकल्प करेंगे स्थानीय लोग। पत्रिका अभियान अमृत जलम के तहत मथुरा में यमुना किनारे स्थित चक्र तीर्थ कुंड पर सफाई अभियान चलाया गया। स्थानीय निवासियों ने संकल्प लिया कि वे इस स्थान का कायाकल्प करेंगे, निरंतर सफाई करते रहेंगे। उन्होंने जागरूकता के लिए पत्रिका का आभार जताया। संकल्प लिया गया कि चक्र तीर्थ कुंड में पानी लाया जाएगा और स्वच्छता का मायने समझ में आया है कि स्वच्छता क्या होती है। स्वच्छता मानव जीवन के लिए एक मूलभूत आधार है, जो कि राजस्थान पत्रिका के द्वारा हमको बुलाया गया। हम इस सहयोग में अपना इस में सहयोग दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को सहयोग देने में। सबसे पहले धन्यवाद दूंगी अमृतम जलम कुलम राजस्थान पत्रिका के लिए कि आप लोग ऐसी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का तो शुरू से संकल्प ही यही है। उन्होंने जब से शपथ ग्रहण की सबसे पहले उन्होंने यही संकल्प लिया। उसके बाद खुद भी झाड़ू उठाते हाथ में, उनको देख के अब सारे नेता हमारे भी और विपक्ष के भी झाड़ू लेके घूमने लगे हैं सफाई करने के लिए। धीरे धीरे ये बहुत आगे तक जाएगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत लोग जागरूकता फैली है, ऐसे बहुत से मिशन तैयार हो गए हैं स्वच्छता के लिए जो इस अभियान को चला रहे हैं, जैसे कि आपका तो है और भी। तो इससे हमारे देश के लिए फायदे की बात है। ये हमारे देश में स्वच्छता जागरूकता जगी है, लोगों में भी जगी है। अभी जहाँ तक कोई स्वच्छता का नाम भी नहीं जानता था, वो अब स्वच्छता रखने के लिए विश्वास रखते हैं स्वच्छता पर कि वास्तव में स्वच्छता हमारे जीवन में कितना बड़ा मूल्य रखती है। कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, हमारे बच्चे स्वच्छ रहेंगे। देवाहूत तट पर श्रमदान कर मनाया मातृ दिवस। आज सैकड़ों की संख्या में जनपद वासियों ने देवाहूत तट पर श्रमदान कर देवा नदी को उसके पुराने अस्तित्व में लाने का संकल्प लिया। इस दौरान देवा नदी के तट पर आरती भी की गई। राजस्थान पत्रिका के अमृत जलम अभियान के तहत आज यह कार्यक्रम हुआ। वहीं प्रशासन, सांसद, विधायक व उनके प्रतिनिधियों ने आमंत्रण के बाद भी शामिल न होकर कार्यक्रम को महत्व देने की जिम्मेदारी नहीं समझी, जिससे साफ जाहिर है कि वो विकास के लिए कितने जागरूक हैं। पीलीभीत किसान मानी जाने वाली माँ देवा नदी आज अपने अस्तित्व को तलाश रही है। यहाँ रोजाना शहर का सैकड़ों कुंटल कूड़ा डाला जाता है, जिससे नदी दिन ब दिन सुखड़ती जा रही है। लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में देवा नदी पर राजस्थान पत्रिका समूह के व उनके जिला प्रभारी सारिक परवेज के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पत्रकार व छात्रों ने श्रमदान कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या है आज जो चलाया गया? अब तक तो छोड़ो बेटा ना, अब तक कैसा लगा आपको अभियान? क्या है कार्यक्रम है, इसमें और लोगों को हिस्सा जुड़ना चाहिए और एक अविरल धारा है गंगा की, इसकी साफ सफाई के लिए नगर पालिका को भी ध्यान देना चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। आप बताइए जी, ये जो अभियान चल रहा है बहुत अच्छा अभियान आपने शुरुआत की है, इसकी ये एक जनजागरण है जिसमें हम लोग सभी लोग सहयोग करेंगे आपका हर तरह से तनमंदन से। और इसके गंदगी के होने से आम जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है, दूषित हो रहा है पर्यावरण। और पहली बार इस तरह का मुहिम जो चालू हुआ है उसको हम अंतिम पड़ाव तक ले जाने की पार्टी इसको अंतिम सिरा पे छोड़ेंगे। इसे हम सब पूर्ण रूप से तनमंदन से इस सहयोग के लिए हम सर तैयार हैं।